नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उत्तरी अमेरिका की जो अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां हैं उसके अंतर्गत मिसिसिपी नदी का तथा प्रशांत महासागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उसके अंतर्गत कोलोरेडो नदी का अध्ययन किया था। कोलोरेडो नदी रॉकी पर्वतों से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। ये आप देखिए, यहाँ पर कलम ने इसका अध्ययन किया था। कोलोरेडो नदी रॉकी पर्वत क्षेत्र से निकल करके उटाह, एरिजोना, नेवादा आदि राज्यों में प्रवाहित होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर अनेक बांध भी बनाए गए हैं। कोलोरेडो नदी के द्वारा कोलोरेडो के पठार पर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण भी किया गया है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध कैनियन है। कैनियन का तात्पर्य एक गहरे विशाल वी आकार की घाटी से है। कैनियन वी आकार की घाटी का ही एक विस्तृत रूप है। पहले वी आकार की घाटी बनती है लंबवत कटाव के फलस्वरूप, उसके पश्चात गोर्ज और तत्पश्चात कैनियन का निर्माण होता है। तो ये जो ग्रैंड कैनियन है यह कोलोरेडो नदी के द्वारा बनाया गया है और इस नदी पर बोल्डर तथा हुअर आदि बांधों का निर्माण भी किया गया है। तो इस प्रकार से जो कोलोरेडो नदी है यह उत्तरी अमेरिका की प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी है। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की एक अन्य प्रमुख नदी है कोलंबिया नदी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कोलंबिया और कोलोरेडो नदियां प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की दो प्रमुख नदियां हैं। यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है। अभी आपको जैसा बताया मैंने, कोलोरेडो तथा कोलंबिया दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह भी रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत एक जल विभाजक का कार्य करता है। रॉकी पर्वत से जो नदियां निकलती है वे पूर्व की ओर प्रशांत महासागर में गिरती है तथा इसके पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में गिरती है तथा पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं वो अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। तो कोलंबिया तथा कोलोरेडो नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि प्रशांत महासागर में गिरती हैं। यह रॉकी पर्वत से निकलती है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में वाशिंगटन राज्य से बहकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कोलंबिया नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं जिनमें ग्रांड कुली, उलेस, बोनविले आदि प्रमुख हैं। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न यहाँ से बनता है। ग्रांड कुली, उलेस तथा बोनविले आदि बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ग्रांड कुली, उलेस, बोनविले आदि बांध कोलंबिया नदी पर बनाए गए हैं। जबकि अभी हमने पढ़ा था कोलोरेडो नदी के बारे में, तो वहां पर बोल्डर तथा हुअर बांध का निर्माण किया गया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण था, बोल्डर तथा हुअर आदि बांधों का निर्माण कोलोरेडो नदी पर किया गया है। इसी प्रकार ग्रांड कुली, उलेस तथा बोनविले आदि बांधों का निर्माण कोलंबिया नदी पर किया गया है। ये देखिए, अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतों से निकलकर वाशिंगटन राज्य में प्रवाहित होती हुई यह नदी प्रशांत महासागर में गिर जाती है, जिस पर बोनविले तथा ग्रांड कुली और उलेस आदि बांधों का निर्माण किया गया है। तो यह भी प्रमुख नदी है प्रशांत महासागर में गिरने वाली। तो इस प्रकार से दो प्रमुख नदियां हो गई जो कि प्रशांत महासागरीय अपवाह प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। नंबर एक दोस्तों ये हो गई कोलंबिया नदी और दूसरी हो गई कोलोरेडो नदी। ये दोनों प्रशांत महासागर की अपवाह प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियां मानी जाती है। इस प्रकार से प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की नदियां वो हैं कोलंबिया तथा कोलोरेडो, यहाँ की मुख्य नदियां हैं। इसके बाद आता है आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह। आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह की जो नदियां हैं वह उत्तरी अमेरिका से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिर जाती है, इसलिए इन्हें आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह की नदियां कहा जाता है। कुछ नदियां हडसन की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां यहाँ पर ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती हैं जो कि आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। हडसन की खाड़ी में गिरने वाली जो मुख्य नदियां हैं, हडसन की खाड़ी के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको प्रमुख खाड़ियों तथा प्रमुख सागरों के बारे में बताया था। उत्तर अमेरिका के चतुर्थक जो स्थित है तो हडसन की खाड़ी भी इसके उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत हडसन की खाड़ी के प्रवाह के अंतर्गत चर्चिल, नेशनल तथा नेल्सन तथा सेबरन आदि प्रमुख नदियां हैं जो कि हडसन की खाड़ी के जल प्रवाह के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। चर्चिल, नेल्सन तथा सेबरन तीन मुख्य नदियां हैं।
जो कि हडसन की खाड़ी के जल प्रवाह के अंतर्गत गिनी जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हडसन की खाड़ी है और इसमें जो नदियाँ गिरती है वो हडसन की खाड़ी के जल प्रवाह के अंतर्गत आती हैं, जिनमें चर्चिल, नेल्सन तथा सेबरन आदि मुख्य नदियां हैं। यहाँ पर जो मुख्य नदी है चर्चिल, उसे दिखाया गया है। चर्चिल नदी हडसन की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और इसी प्रकार से जो आर्कटिक ओशियन है, इसमें जितनी भी नदियां गिरती है संयुक्त राज्य अमेरिका से निकल करके, वो सारी की सारी नदियां आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां कहलाती है। तो मुख्य रूप से तीन चार अपवाह तंत्र हैं जो भी आपको मैंने बताया था। इसमें पहला अपवाह जो तंत्र है दोस्तों, वो तो है आर्कटिक महासागर का अपवाह तंत्र, जिसकी मुख्य नदी मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस और रियो ग्रांडे आदि नदियां हैं। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं वो कोलंबिया और कोलोरेडो है। इसके अलावा आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां, जिसमें यूकन, मैकेंजी और चर्चिल, ये तीन प्रमुख नदियां हैं। और चौथा जो अपवाह है वो है ग्रेट बेसिन का आंतरिक सागरीय अपवाह है, जहां पर नदियां आकर के उसी में गिर जाती हैं, महासागरों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस प्रकार से चर्चिल, नेल्सन तथा सेबरन हडसन की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं। तो यह भी यहां पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से हडसन की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो चर्चिल, नेल्सन तथा सेबरन मुख्य नदियां हैं जो कि हडसन की खाड़ी में गिरती है। अब हम देखते हैं आर्कटिक जल प्रवाह, ये तो थी हडसन की खाड़ी में गिरने वाली और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली। इस जल प्रवाह की जो मुख्य नदी है वो है मैकेंजी। मैकेंजी मुख्य नदी है, यह उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो विशेष रूप से कनाडा में है। इसका उद्गम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से होता है, ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है तथा कनाडा के उत्तरी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। आपको भी बताया था मैंने, ब्यूफोर्ड सागर आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। इस नदी की कुल लंबाई है 3600 किलोमीटर, जो कि कनाडा की नदियों में सबसे अधिक है। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है और संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी, जो कि मिसौरी के मिलने के बाद लगभग उसकी जो लंबाई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी के रूप में उसकी लंबाई हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी का उद्गम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से है तथा यह कनाडा के उत्तरी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है जो कि आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 3600 किलोमीटर, जो कि कनाडा की नदियों में सबसे लंबी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है उत्तरी अमेरिका की, जो कि कनाडा में इसका अधिकांश जो प्रवाह है, लगभग इसका समस्त प्रवाह कनाडा में ही स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैकेंजी नदी है। ये मैकेंजी नदी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से निकल करके और ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। तो एक तो हो गई मैकेंजी, दूसरी हो गई चर्चिल जो कि हडसन की खाड़ी में गिर जाती है, और तीसरी नदी हो गई दोस्तों यूकन नदी। और यूकन नदी भी यहाँ से निकल करके, ये आप देख रहे हैं, बेरिंग सागर में गिर जाती है। यानी इसका जो उत्तरी भाग हिस्सा है, लगभग ये आप इसको मान सकते हैं कि आर्कटिक महासागर में ही ये नदी यहाँ पर गिरती है। इसे आर्कटिक महासागर उपवाह तंत्र के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। इस प्रकार से मैकेंजी, चर्चिल, यूकन आदि नदियाँ आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और इस प्रकार से ये तीनों नदियाँ आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। तो आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र में हडसन की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसके अंतर्गत चर्चिल, नेल्सन तथा सेबरन प्रमुख हैं, और आर्कटिक जल प्रवाह की प्रमुख नदियों में मैकेंजी नदी का प्रमुख स्थान है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से निकल करके दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। और ब्यूफोर्ड सागर आर्कटिक सागर का ही एक भाग है। इसकी कुल लंबाई 3600 किलोमीटर है, जो कि कनाडा की नदियों में सबसे अधिक है। और जो दूसरी नदी है वो है यूकन नदी। दोनों नदियाँ आर्कटिक जल क्षेत्र के अंतर्गत गिर जाती हैं, आर्कटिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहलाती हैं। इसके बाद चौथा जो जल प्रवाह प्रणाली है वो है आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली। आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की विशेषता ये है कि
यहाँ की जो नदियाँ हैं वे महासागरों तक पहुँचने के पूर्व ही या तो सूख जाती हैं या विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए इन नदियों को आंतरिक जल अपवाह प्रणाली की नदियाँ कहा जाता है, यानी इनकी जो नदियाँ हैं वे महासागरों तक नहीं पहुँच पाती हैं। उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट बेसिन का हिस्सा है वो इसी प्रकार का आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र है। अभी आपको बताया था मैंने, उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट बेसिन वाला भाग है वो इसी प्रकार का आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा है, आंतरिक जल प्रवाह का भाग कहलाता है। यहाँ की नदियाँ छोटी है जिनमें वर्षा काल में ही जल प्राप्त होता है, ग्रीष्म काल में सूख जाती है तथा किसी झील या बेसिन में गिर करके समाप्त हो जाती है। तो ये नदियाँ या तो सूख जाएगी क्योंकि जल की मात्रा कम है, और यदि जल की मात्रा कम नहीं है तो किसी झील या बेसिन में गिरकर समाप्त हो जाती है। ग्रेट बेसिन इसका प्रमुख उदाहरण है जहाँ पर अनेक नदियाँ आकर के गिरती है। ग्रेट बेसिन के समीप ही कार्सन सिंक भी इसी प्रकार के आंतरिक जल अपवाह प्रणाली का क्षेत्र है। हम्बोल्ट नदी एक प्रमुख नदी है। हम्बोल्ट भूगोल के प्रमुख विद्वान भी माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। हम्बोल्ट नदी भी कार्सन सिंक में गिरती है। तो हम्बोल्ट नदी एक आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदी है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इनके इसका जो नाम है वो भूगोल के एक प्रमुख भूगोलवेत्ता के नाम पर, हम्बोल्ट के नाम पर रखा गया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पर इस नदी का नामकरण किया गया है, जो कि आंतरिक जल अपवाह प्रणाली का हिस्सा है, आंतरिक जल अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है, जो कि ग्रेट बेसिन के समीप स्थित कार्सन सिंक में गिर जाती है। इसके अलावा बियर, सेवियर तथा वाकर इसी प्रकार की अपवाह प्रणाली की नदियां हैं। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बियर, सेवियर, वाकर, हम्बोल्ट आदि नदियां किस प्रकार की जल अपवाह प्रणाली का हिस्सा हैं। तो ये नदियां आंतरिक जल अपवाह प्रणाली का हिस्सा हैं। तो इन्हें आंतरिक जल अपवाह प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि ये नदियाँ या तो इनमें जो जल है वो वर्षा काल में उपलब्ध होता है और ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं, अन्यथा किसी झील अथवा बेसिन में गिर करके समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो अपवाह तंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो ग्रेट बेसिन में है, और ग्रेट बेसिन के समीप ही एक कार्सन सिंक है, वहाँ पर इसी प्रकार का अपवाह पाया जाता है जहाँ पर हम्बोल्ट नदी उसमें जाकर के गिर जाती है। बियर, सेवियर, वाकर इसी प्रकार की अपवाह प्रणाली की नदियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर आप संयुक्त राज्य अमेरिका का ये है दोस्तों कि ग्रेट बेसिन है, ये देखिए यहाँ पर। तो इस ग्रेट बेसिन में ही ये जो कई नदियां हैं वो इस ग्रेट बेसिन में जाकर के गिर जाती है। इसी ग्रेट बेसिन में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेट साल्ट लेक स्थित है, विश्व की बृहद महान खारे पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक यहीं पर स्थित है, और उटाह झील भी यहीं पर स्थित है। तो ग्रेट साल्ट लेक में भी कई नदियाँ इसमें भी गिर जाती हैं तथा अनेक जो नदियाँ हैं वो इसी ग्रेट बेसिन में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। और देखिए यहाँ पर इसमें नीचे की ओर यहाँ मोजो मरुस्थल भी है, मोजो डेजर्ट भी है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये शुष्क भाग है, और डेथ वैली भी इसी क्षेत्र में ही स्थित है। तो अनेक जो नदियाँ हैं ये देखिए यहाँ पर, हम्बोल्ट नदी का नाम हमने लिया था, ये हम्बोल्ट नदी है जो कि यहीं पर स्थित एक कार्सन सिंक में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो इस जो ग्रेट बेसिन है, इस ग्रेट बेसिन में अनेक नदियां आकर के गिर जाती हैं या इनका जो जल है वो इसी बेसिन में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ग्रेट बेसिन का जो क्षेत्र है, यह जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र एक आंतरिक जल अपवाह के रूप में फैला हुआ है। ये देखिए इसके एक और तो है रॉकी माउंटेन, चारों तरफ ऊँचे पठारों पर्वतों से घिरा हुआ है। पूर्व की ओर रॉकी माउंटेन है, दक्षिण पूर्व की ओर कोलोराडो का पठार है, जब अपन पश्चिम की ओर आते हैं तो पश्चिम की ओर सियरा नेवादा श्रेणी है, उत्तर की ओर देखते हैं उत्तर पश्चिम की ओर कास्केड श्रेणी है, इसके उत्तर की ओर कोलंबिया का पठार है। तो ये चारों तरफ से पठारी और पर्वतीय भागों से घिरा हुआ क्षेत्र है जो कि गहराई में स्थित है, नीचा है, और जो इन क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती है जो सागर में नहीं पहुँच पाती हैं वो इसी बेसिन में आकर के समाप्त हो जाती है। इसलिए इस बेसिन को आंतरिक जल अपवाह प्रणाली वाला क्षेत्र कहा जाता है, और जो ग्रेट साल्ट लेक है वो भी इसी ग्रेट बेसिन का ही हिस्सा मानी जाती है। तो इस प्रकार से बियर, सेवियर, वाकर, हम्बोल्ट आदि नदियां आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का हिस्सा मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की जल प्रवाह उत्तरी अमेरिका की जल प्रवाह प्रणाली को चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक अटलांटिक महासागरीय जल अपवाह प्रणाली,
जिसकी प्रमुख नदियां सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी तथा रियो ग्रांडे हैं। सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी तथा रियो ग्रांडे। दूसरा है प्रशांत महासागरीय अपवाह प्रणाली। प्रशांत महासागरीय अपवाह प्रणाली की जो मुख्य नदियां हैं वो है कोलंबिया तथा कोलोरेडो। तीसरी है आर्कटिक महासागरीय जल अपवाह प्रणाली, जिसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो है नंबर एक मैकेंजी नदी, जैसा कि अभी हमने देखा था मैकेंजी नदी आर्कटिक महासागरीय जल अपवाह की प्रमुख नदी है। चर्चिल नदी इसकी प्रमुख अन्य नदी है और यूकन नदी भी इसकी प्रमुख अन्य नदी है। तो मैकेंजी, यूकन, चर्चिल आदि आर्कटिक महासागरीय जल अपवाह प्रणाली की प्रमुख नदियां मानी जाती है। और जो अंतिम था चौथा आंतरिक जल अपवाह प्रणाली, जिसमें हम्बोल्ट, बियर, सेवियर, वाकर आदि नदियां आंतरिक जल अपवाह प्रणाली का हिस्सा मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका की जल अपवाह प्रणाली को इन चार भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के बारे में। उत्तरी अमेरिका में झीलों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है, जो कि उत्तरी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और ये जो झीलों की श्रृंखला है ये हिमानीकरण के फलस्वरूप निर्मित हुई है। हिमानीकरण के बाद जो जल पिघला, उस जल के पिघलने से वो जो जल था वो बेसिनों में एकत्रित हो गया और बेसिन में एकत्रित होने के कारण झीलों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की झीलें कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पाई जाती है। कालांतर में विभिन्न आकस्मिक भूगर्भिक शक्तियों के कारण इनके आकार में भी परिवर्तन आया है। सबसे पहले हम देखते हैं कनाडा की झीलों के बारे में। कनाडा में भी इस प्रकार की हिमानीकरण से निर्मित झीलें पाई जाती है, जिनमें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग पांच झीलें हैं। नाम याद रखिएगा, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग, ये कनाडा की प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख झीलों पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो महान झील क्षेत्र है, यहाँ पर पांच झीलें स्थित हैं, जिनमें सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, इसके बाद मिशिगन, इसके बाद ह्यूरन, ह्यूरन के बाद ईरी तथा ओंटारियो। ओंटारियो सबसे छोटी झील है तथा सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। इस संपूर्ण क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का महान झील प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ये पांचों झीलें एक साथ स्थित हैं। कनाडा की जो झीलें हैं वो लंबवत रूप में फैली हुई हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, क्रमशः ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग। जबकि यूएसए की जो झीलें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर एक साथ क्षैतिज रूप से स्थित हैं। मानचित्र में हम देखते हैं, ये देखिए सबसे दोस्तों, ये देखिए ग्रेट बियर झील, कनाडा की झीलें हम देख रहे हैं। सबसे पहले है ग्रेट बियर झील नंबर एक, सबसे उत्तर की ओर, उससे दक्षिण की ओर आने पर ग्रेट स्लेव, सबसे उत्तर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। तीसरी है अथाबास्का, फिर उससे दक्षिण की ओर अथाबास्का झील आती है। फिर आती है दोस्तों रेंडियर झील, रेंडियर, और सबसे दक्षिण की ओर है विनिपेग। इस प्रकार से ये पांचों झीलें स्थित है। नंबर एक झील ये हो गई ग्रेट बियर, नंबर दो ग्रेट स्लेव, नंबर तीन अथाबास्का, नंबर चार रेंडियर, और नंबर पाँच, जो पांचवी नंबर की झील है वो दोस्तों ये है लेक विनिपेग। तो इस प्रकार से ये पांचों झीलें क्रमशः उत्तर से दक्षिण को स्थित हैं, जिनका क्रम निम्न प्रकार है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर इनका क्रम हो जाएगा विनिपेग, रेंडियर, अथाबास्का, ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर। उत्तर से आने पर सबसे पहले ग्रेट बियर झील आएगी, फिर ग्रेट स्लेव झील आएगी, फिर अथाबास्का झील आएगी, फिर रेंडियर झील आएगी और फिर विनिपेग झील आएगी। इस प्रकार से पांचों झीलें क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर कनाडा में स्थित है, जो कि हिमानीकरण के फलस्वरूप का इनका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की और कनाडा की सीमा पर जो पांच झीलें स्थित है वो भी इसी प्रकार से क्षैतिज रूप से फैली हुई है। नंबर एक सुपीरियर, जो कि सबसे बड़ी है, उसके बाद आती है दोस्तों इसके दक्षिण में मिशिगन, मिशिगन के बाद आती है ह्यूरन, ह्यूरन के बाद आती है ईरी, और ईरी के बाद आती है दोस्तों ओंटारियो झील। पांच झीलें स्थित है सुपीरियर, और जो ह्यूरन झील है, सुपीरियर तथा ह्यूरन झील को सू नहर के द्वारा जोड़ा गया है। सुपीरियर तथा ह्यूरन झील को सू नहर के द्वारा जोड़ा गया है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। सू नहर के द्वारा कौन सी दो झीलों को जोड़ा गया है? सू नहर के द्वारा सुपीरियर तथा ह्यूरन झील को
जोड़ा गया है। इसी प्रकार से ईरी तथा ओंटारियो झील को वेलेंड नहर के द्वारा जोड़ा गया है। ईरी तथा ओंटारियो झील को वेलेंड नहर के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये एक सतत जलमार्ग बनाया गया है। देखिए, ये एक सतत जलमार्ग यहाँ पर निर्मित किया गया है और यह जलमार्ग सुपीरियर झील क्षेत्र को सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, महान झील वाला प्रदेश है, महान झील प्रदेश को यह अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है। यह जो जलमार्ग है, झील जलमार्ग जिसे कहते हैं, जो कि सुपीरियर झील से होता हुआ सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का महान झील मार्ग कहा जाता है। यह महान झील मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यस्ततम जलमार्ग है। यह देखिए, यह जो झील मार्ग है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। जो झील प्रदेश है, झील प्रदेश लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। झील प्रदेश लोह अयस्क के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। और जो अप्लेशियन क्षेत्र है, ये दोस्तों देखिए दोस्तों, इस तरफ अप्लेशियन क्षेत्र है, यह अप्लेशियन क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से तो कोयला मिलता है और झील क्षेत्र से लोहा प्राप्त होता है। तो जो जहाज यहाँ से कोयला लेकर के झील क्षेत्र की तरफ जाते हैं, कोयला लेकर के झील क्षेत्र की तरफ जाते हैं, वो लौटते समय झील क्षेत्र से लोहा लेकर के आते हैं, यानी परिवहन का खर्च बच जाता है। इसी कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। यह जो जलमार्ग है, इसने यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योगों के विकास को काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है, क्योंकि संपूर्ण झील क्षेत्र जो ये झील मार्ग है, इस झील मार्ग के पूर्व की ओर तो अप्लेशियन क्षेत्र का कोयला पाया जाता है और इसके पश्चिम तथा दक्षिण की ओर महान झील प्रदेश का लोह अयस्क पाया जाता है। तो कोयला और लोहा लोह इस्पात उद्योग के विकास के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तथा सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से सू नहर के द्वारा और ओंटारियो झील को ईरी झील से वेलेंड नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है। ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य ही नियाग्रा नदी है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। यहीं पर ही एक नियाग्रा नदी बहती है और इसी पर नियाग्रा फॉल्स का, नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ओंटारियो तथा ईरी झील के मध्य में यहाँ पर ही नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है दोस्तों, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से इसका जो विकास है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख जलमार्ग के रूप में हो गया है। और ये पूरा क्षेत्र एक विस्तृत आंतरिक जल मार्ग प्रदान करता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, और इसी के फलस्वरूप इस संपूर्ण क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ से माल का निर्यात होता है और आयात भी किया जाता है। जिस प्रकार से हमने संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका की नदियाँ तथा उसकी महान झीलों के बारे में अध्ययन किया, हमारा आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जो आपके प्रश्न या शंकाएँ हों, उसे YouTube के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस संपूर्ण चैप्टर को अपने रजिस्टर में उतार लें तथा उसका मानचित्र भी साथ में बनाएं। धन्यवाद। आज हम इतना अध्ययन करेंगे।